बीएड दे एंट्रेंस टेस्ट तो बाद कैंडिडेट नू ए समस्या आ रही है कि केड़े मेजर सब्जेक्ट जां माइनर सब्जेक्ट चूज किए जान। असी सारे जानते हाँ कि साडा अल्टीमेट एम गवर्नमेंट जॉब तक पहुँचना है, तो गवर्नमेंट जॉब तक पहुँचने लिए काफ़ी ऑब्सटैकल्स ने। सब तो वध जरूरी यह है कि तुहाडे कोल ए इनफॉर्मेशन होवे कि गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी की हुंदी है। इस वीडियो विच जां इस दे अगले पार्ट्स विच मैं दसांगा कि जेड़े सब्जेक्ट्स दियां एडवरटाइजमेंट गवर्नमेंट द्वारा पिछले सालों में दित्तियां गई हैं, उस तो सानू ये पता लग सकता है कि इस सब्जेक्ट की रियल एलिजिबिलिटी की है, ता जो मैं आने वाले समय में उसलिए प्रिपेयर हो सकां। सो पहला डिस्कस कर रहा हाँ इकनोमिक्स की। इकनोमिक्स दियां पोस्टा जो देखनिया हैं इत्थे देख सकते हाँ, इकनोमिक्स दियां एक होर वीडियो विच डिस्कस कीतियां हैं। मेरे ख्याल इत्थे है साढ़े कोल इकनोमिक्स लैक्चरर दियां टोटल 18 पोस्टा निकलियां सी। ओके, उसकी बाइफरकेशन नोट करनी है भी नोट कर सकते हाँ। इस तो इलावा साडा परपज़ जिहड़ा मेन होएगा इस वीडियो का कि इकनोमिक्स की एलिजिबिलिटी की रही होएगी, ता जो जिहड़े कॉमर्स वाले कैंडीडेट ने जां इकनोमिक्स वाले जां लैक्चरर बनना चाहते ने जां एसएसटी वल जाना चाहते ने विशेष तौर पर वो डिसीजन लै सकन। इकनोमिक्स की एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट द्वारा है शुड हैव पास्ड एम ए इन इकनोमिक्स, नंबर एक अप्लाइड इकनोमिक्स, नंबर दो बिजनेस इकनोमिक्स विद एटलीस्ट 55%, ये एक कंडीशन हो गई। मार्क्स एंड शुड हैव पास्ड बीएड टीचिंग सब्जेक्ट इकनोमिक्स। इत्थे की साफ हो गया कि एसएसटी जे करके तुसी बीएड करते हो, एमए इकनोमिक्स की है 55% मार्क्स है, तो तुसी लैक्चरशिप लई पीजीटी लई एलिजिबल नहीं हो। इस कंडीशन मुताबक मैं ये दस दिया कि 2022 विच जिहड़ियां पोस्टा एडवरटाइज हुई हैं वो ने, इस तो इलावा पिछलियां पोस्टा दे भी वीडियो कर दांगा। लेकिन ये भी नहीं है कि मैं एक तुहानू कोई डिसीजन दे रहा हाँ, मैं जस्ट तुहाडे सामने डाटा रख रहा हाँ। डिसीजन असी मिल के लैना है जो तुसी लैना है, क्योंकि अगली गवर्नमेंट इस तो भी वध रिजिड कर सकती है। पर ये जो नॉर्म्स बनते हैं UGC ते NCT की गाइडलाइन के मुताबिक बनते हैं, पंजाब गवर्नमेंट मुताबक बनते हैं। सो मेरे ख्याल में इस तो रिजिड ए वाले नहीं हो सकते। मार्क्स इनक्रीज होंगे तो गल वक्री है, नहीं होंगे, ये डरन की जरूरत नहीं है। पर यह समझ लेना चाहिए है कि सानू सब्जेक्ट केड़ा चूज करना है जेकर मैं PGT इकनोमिक्स वल जाना चाहती हाँ। अगे लिखा है टीचिंग सब्जेक्ट इकनोमिक्स फ्रॉम रिकगनाइज यूनीवर्सिटी, है ना। नैचुरली वो साड़ियाँ रिकगनाइज यूनीवर्सिटी ने, गवर्नमेंट यूनीवर्सिटी जितने गुरु नानक देव पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट एज पर गाइडलाइनस ऑफ UGC, ये उन्होंने गाइडलाइनस मुताबक हैं। शुड हैव स्टडीड 3 ईयर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो दसदा हाँ, 3 ईयर इकनोमिक्स एज एन इलैक्टिव सबजैक्ट इन ग्रैजुएशन। सो इतने ज़्यादा ये स्पष्ट हो जाता है कि जे तुसी BCOM की है, BCOM करके तुसी कॉमर्स का मेजर तो माइनर इकनोमिक्स ले लिया है। याद रखना है माइनर का मतलब है कि उसकी नॉट एलिजिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगी है, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट 1 साल दे पढ़े तो मिल जाता है, इतने 3 साल पढ़े है, ये फर्क है। पर जे तुसी ऑलरेडी 3 साल पढ़िया होया वह सब्जेक्ट माइनर है तो मेजर के बराबर हो जाएगा, इस गल नूं समझने की जरूरत है। हुण BCOM वाले की हैं, वो कॉमर्स लई तां एलिजिबल हैं जे MCOM कर लेंदे हैं, लेकिन नाल इकनोमिक्स लै लेंदे हैं। मैं एक वीडियो में दस्या सी कि इकनोमिक्स उन्होंने लिए लाहेवंद नहीं दिखाई देती, वो वीडियो जरूर देख लेना चाहिए है उन्होंने। सो इकनोमिक्स लैके कारण की है, नॉर्मली जेडे मेरे को स्टूडेंट्स आए ने उन्होंने DMC मैं देखा है कि इकनोमिक्स 3 साल नहीं पढ़ी हुई। जे 3 साल नहीं पढ़ी हुई इस दे मुताबक तुसीं बेशक ये सारा कुछ किया होया है तां तुसी PGT इकनोमिक्स लई पंजाब विच एलिजिबल नहीं हो। नैचुरली है कि तुहानू इकनोमिक्स का अडिशनल 3 साल का हर हालत च देना पएगा। सो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला नॉर्मली करवा देंदी है, जिस यूनिवर्सिटी तो तुसी हो जे मेरे को इनफॉर्मेशन आती है वह भी दी जा सकती है। पर इस वक्त तुसी उस स्टेज पर हो कि BEd दे एंट्रेंस टेस्ट दे चुके हो और सब्जेक्ट चॉइस कॉलेज चॉइस फिल करनी है। सो इस फैक्ट नू इकनोमिक्स वाले ते SST वाले ते MCOM वाले, ये वीडियो सिर्फ उन्होंने लिए नहीं है,
ये रिलेटिड सारे लिए है जिदे इकोनॉमिक्स का संबंध है ना। सो इस तो तुसी वो समझ सकते हो कि हाँ कोशिश करांगा कि अगला वीडियो मैं जो इकोनॉमिक्स या SST TGT का है उसका अलग तो पा देव। लिंक नीचे आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद तुसी वो देख सकते हो। थैंक यू।